दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आप स्वागत है आप सभी का न्यू वाले ब्लॉग में। तो गाइस रेडी हो गए, भगवान जी को कर लिया हमने प्रणाम। वो बहुत खुशी की बात है, आज पहली बार मम्मी पापा मेरा शो टीवी पे देख रहे हैं, इंडिया डांस पावर, जो कि आ रहा है जी सलाम पे, और देखिए उसकी कुछ झलक। थोड़े सबके सीन दिखा रहे हैं कि आगे ये डांस हम दिखाएंगे। दोस्तों इंडिया डांस पावर टीवी पे, और हमारे मम्मी भी देख रही हैं। ये देखिए, कितनी छोटी है देखो, कितनी मस्त लग रही है, छोटी बच्ची। इसी मंच पे आप भी गई हो, पापा भी गए। मैंने डायरेक्ट देखी हूँ गाइस, तो मुझे पूरा विश्वास हो रहा है, सेम जैसा वहाँ पे मैंने देखा है गाइस, वैसे टीवी पर बता रहे हैं। जय सियाराम महाराज। मेहनत तो है भाई, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा दे रहे हैं। दोस्तों अभी जी सलाम चैनल पे हमारा शो टेलीकास्ट हो रहा है, इंडिया डांस पावर, जिस शो को मैंने होस्ट किया है। वो मम्मी पापा हमारे अपने घर पे टीवी में देख रहे हैं, मुझको देख के भी खुश हो रहे हैं, सभी डांस पार्टिसिपेट को भी देख के खुश हो रहे हैं। और अभी कुछ झलकियां दिखाई जा रही हैं जो आगे परफॉर्मेंस होने वाली हैं, उसके कुछ थोड़े थोड़े क्लिप दिखाए जा रहे हैं, ये देखिए। और ये सभी पार्टिसिपेट जब हम एंकरिंग कर रहे थे, हमने इनको लाइव देखा है, वाकई में बहुत अच्छा टैलेंट है, आप लोग भी देखें। और ग्रैंड फिनाले कौन से चैनल पर आएगा इसकी सूचना भी आपको मेरे ब्लॉग के माध्यम से अगले ब्लॉग में मिल जाएगी। A few moments later. तो हाँ जी दोस्तों, चलिए भगवान जी को प्रणाम कर लिया है, एंड हमारे मम्मी जी ये हैं। तो जय सिया राम, हर हर महादेव गाइस। तो ये नया साल है, नया साल मुबारक हो आप लोगों को, और ये अंग्रेजी वाला नया साल है गाइस। तो हम लोगों का जो हिंदू धर्म में आता है वो अपना चैत्र की नवरात्रि के बाद आता है। तो गाइस आप लोग भी फॉलो करें, और जय सिया राम, हर हर महादेव। जय सिया राम, हर हर महादेव। दोस्तों मैडम ने तो बोल ही दिया है भाई, हैप्पी न्यू ईयर इंग्लिश वाला। सही बात है यार। तो हाँ गाइस, आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि पश्चिमी सभ्यता द्वारा 31 दिसंबर लास्ट, उसके बाद 1 जनवरी होती है। तो पश्चिम सभ्यता वाले लोग जो होते हैं वो 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं, परंतु हमारे सनातन संस्कृति में और हमारे साइंटिफिक भी अगर आप देखें तो गुड़ी पड़वा और जो चैत्र नवरात्रि है, असली नववर्ष वहीं होता है। जितने भी बड़े बड़े कार्य और जितने भी बड़े बड़े व्यापारी या सोनार जो भी लोग रहते हैं, उनका नववर्ष वहीं से होता है, वही खाता चेंज होता है। और सबसे बड़ी बात, आज माताजी ने, मम्मी ने मुझे एक चीज़ बताई और मैंने आज तक गौर ही नहीं करी थी, इनकम टैक्स का जो साल बदलता है 31 मार्च से, उन लोगों का भी साल ईयर चेंज होता है। तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि यार वाकई में कि हमारी सरकार भी उस चीज़ को मानती है, क्योंकि नवरात्रि भी चैत्र नवरात्रि लगभग कुछ दिनों बाद ही उसके बाद आती है, तो कुछ लगभग मिलता जुलता, मतलब उन लोगों ने कुछ दिन पहले कर दिया, मगर
फिर भी नया साल उन लोगों का भी अलग ही होता है। तो कुल मिला के ये पश्चिमी नववर्ष है, इसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ साथ में आज के व्लॉग में नव वर्ष के पावन उपलक्ष में, पुराना वर्ष खत्म होने के उपलक्ष में दोनों वर्ष बहुत अच्छा रहा और मेरे को खुशियों का इतना बड़ा तोहफा मिला माता पिता गुरु भगवान और आप सभी के आशीर्वाद से कि आज टीवी पे रियलिटी शो इंडिया डांस पावर में मेरे पापा मम्मी ने मुझे टीवी पे देखा, उनको बड़ा हर्ष हुआ, बहुत खुशी हुई मुझे भी। हाँ बिल्कुल, पिछले शनिवार इतवार को भी आया था बट हम देख नहीं पाए थे, बट आज मम्मी पापा ने अपने घर में टीवी में आपने पिछले सीन में देखा होगा देखा, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। और इसी तरह आप सभी के जीवन में भी खूब खुशियाँ हो, आनंद हो और आप सभी अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह बना के रखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बनी घंटी को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल जाए। और ये जो नाम है अर्पित नाना भोपाली, इस नाम को आप इंस्टाग्राम फेसबुक जैसे सभी सोशल मीडिया पर जाके फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ अच्छे अच्छे रील कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। मम्मी जी कुछ कहना चाहती हैं? गाइस आप लोगों को एक छोटी सी शायरी मैं नए वर्ष पर सुनाना चाहती हूँ। तो गाइस हैप्पी न्यू ईयर फिर मैं आपको एक छोटी सी शायरी, पल पल पर खुशियों के दीप जले, खुशियां सदैव रंग बिखेरती रहे, कभी ना हो विपत्ति का सामना, नौ वर्ष पर ये मेरी शुभकामना, जय सिया राम हर हर मां। क्या वाह बात है। तो दोस्तों देखो पश्चिमी न्यू वर्ष जो है हमारा, उस पर हमारी मम्मी जी ने आप लोगों को शायरी भी सुना दी, तो जो जो लोग मनाते हैं आपके लिए बढ़िया शायरी है हमारी मम्मी जी ने सुना दी। तो चलिए अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से विषय अच्छे से कंटेंट के साथ में। तो अभी के लिए नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल, केम चौदह, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।